बुलाते हैं सिंगिंग स्टार स्नीति मिश्रा को। वैसे एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सभी 12 सिंगिंग स्टार्स में से आपका सबसे बड़ा कंपेटिटर कौन है, आपको क्या लगता है? रंजीत को मैं हमेशा से स्ट्रॉन्ग कंटेंडर मानती आई हूं। उसका गजल मुझे लगता है कि वो मतलब बहुत अनोखा किस्म का गायकी है उसका। चुपके चुपके रात दिन, मैं पर्सनली उसको नाम जरूर लूंगी, ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। एक बार इस बात पे जोरदार तालियां हो जाए स्नीति के लिए यार। और अब जरा जबरदस्त परफॉर्मेंस हो जाए हमारी प्यारी सी भुवनेश्वर ओडिशा से आई, और वो भी यारा दी टोली की है जो सिंगिंग स्टार है, स्निधि के लिए। सुपर्ब यार स्निति, मतलब
क्या बात है स्निति भाई, सबसे पहले तो ये लो मुंह मीठा कर लो, यहाँ पे खूब सारी मिठाई है। ये है कज्जा, भुवनेश्वर से भेजा है आपकी बड़ी बहन स्वाति मिश्रा ने। है जी, अच्छा लग रहा है। अभी और भी मिठाई है, ये लीजिए। ये आया है हैदराबाद से पेड़ा, खास तौर पे आपके लिए आपके पापा ने भेजा है। और ये मालपुआ, ये भेजा है बुलांगीर ओडिशा से आपकी माँ ने। और ये कलाकंद, ओ हो, ये भुवनेश्वर से भेजा है आपके गुरु डॉक्टर रघुनाथ साहू ने। क्या बात है, ये लीजिए। अब एक बात मैं आप सबको बता दूं, ये मिठाइयाँ क्यों आई हैं, ये मैंने, ये स्निति ही बताएगी। प्लीज स्निति जी, मेरी जो माँ है वो वेस्टर्न ओडिशा के एक डिस्ट्रिक्ट है बलांगीर, जहाँ मैं बड़ी मतलब बर्न एंड ब्रॉट अप इन बलांगीर, जो वेस्टर्न पार्ट के है ओडिशा का, तो वहाँ मेरा घर है। तो वहाँ मेरे माँ काम करती हैं एक स्कूल में एज अ हेडमिस्ट्रेस। तो मेरे पापा हैदराबाद में हैं और मेरी दीदी भुवनेश्वर में एज अ मैकेनिकल इंजीनियर काम करती हैं एक एमएनसी में। तो पूरी फैमिली जो है वो अलग अलग है, तो इसलिए चार मिठाई चारों तरफ से। ये कमेंडेबल बात है कि आप सब अलग अलग रहते हैं फिर भी इतना प्यार है, और कोई भी खुशी का मौका हो तो चारों तरफ से मिठाई जरूर पहुंचती है। मैं कहूंगा ऐसे परिवार के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। विशाल जी, आप बताएंगे जरा सबसे पहले कैसे लेगी आपको सिंगिंग? मैं साजिद का एक फ्रेज चोरी करने वाला हूँ आज, विथ परमिशन। क्रेडिट देके मेरा नाम हटा दो फिर वहां से। नहीं, क्रेडिट देके आप नायाब हो, जेन्युइनली आपकी आवाज है, मतलब लाखों में एक आवाज है। मितवा जो कोरस जो लास्ट गाया आपने, माइंड ब्लोइंग था, लेकिन सुर वहां पे भी थोड़े बहुत चुके, सुर थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। ओके सर, थैंक यू। अगर मैं ये कंपोजर होता ये गाने का, तो मैं पहले आपसे ये गाना गवाता। क्योंकि एक आइडेंटिटी जो आपने अपने आप की जो क्रिएट की है, और जो आपकी जो आवाज है इतनी अलग है, इतनी डिफरेंट है, और इतनी सोलफुल है कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, वेरी नाइस, ऑल द बेस्ट जियो। निधि, माइंड ब्लोइंग, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू यार। देखो भाई, तुमने हमारा एक फ्रेज चुराया, हम थोड़ी देर के लिए आपका शेकर चुरा रहे हैं। स्निति, आपने बहुत अच्छा गाया, और कहीं कहीं कुछ हुआ है, बट आई फील यू नो यू रियली डन इट वेल, एंड थोड़ा बहुत होता है, बट आई थिंक ओवरऑल वेरी गुड परफॉर्मेंस स्निति, कमाल के। साजिद भाई, आपने बहुत लंबा बोल दिया, मैं इतना लंबा बोलता नहीं हूँ कभी। नहीं नहीं, मैंने तुम्हें चोरी, आपने चोरी कर लिया था ना, चोरी किया था, चोरी के अंदर हो जाता है काम थोड़ा सा। बेटा, नायाब परफॉर्मेंस है, ऑल द बेस्ट। एक दर्द का दरिया बह रहा है आपके अंदर, जिसको अगर आप छूते रहेंगी तो आपकी गायकी में वो बात आएगी जो शायद टेक्निक से ना सके, क्योंकि टेक्निक एक हद तक आपको ले पहुंचा सकती है, मगर एहसास जहां तक आपको पहुंचाते हैं उसकी इंतहा नहीं है। दलेर पाजी, क्या कहेंगे आप? बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी जो सच्ची और सुच्ची आवाज है, उसके लिए छोटा सा नजराना सुच्चे मोती में तुम्हें देना चाहता हूँ। क्या बात है सर, सुपर्ब। तुमने जो गाया बहुत अच्छा गाया, और अब तुम बहुत लंबी उम्र दोगे और बुरी नजर तो बचावे, खुश रहे, रब रखे। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच निधि। अच्छा, जाते जाते एक काम करो, ये लो, तो वहां पे सब बैठे बेचारे वेट कर रहे हैं मुझे, हमें कब मिठाई मिलेगी, तो प्लीज आप उन सबको भी मिठाई खिलाओ। जोरदार तालियां स्निधि के लिए।